जहां देश भर में कोरोना को लेकर डर का माहौल है, वहीं जयपुर में सब्जियों के दामों में भी भारी इजाफा हुआ है। सब्जी मंडी बंद होने की अफवाह के चलते गुरुवार शाम से जयपुर में सब्जियों के दामों में अचानक उछाल आ गया, जिसके बाद मंडियों में लोग सब्जी खरीदने के लिए उमड़ पड़े। मंडियों में अधिकतर सब्जियों के दाम 2-3 गुना बढ़ा दिए गए। हालांकि शुक्रवार को मुहाना सब्जी मंडी में ग्राहकों की संख्या सामान्य दिनों की तरह ही रही। जयपुर फल सब्जी मंडी थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष राहुल तंवर ने सभी ग्राहकों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान ना दें। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव के बाद अब लोगों के रोजमर्रा की जो जरूरत की वस्तु है उनके दाम भी जो है लगातार बढ़ रहे हैं। तो वहीं कल राजधानी जयपुर के अंदर जो है जब सरकार की तरफ से जब एडवाइजरी जारी की गई कि लोग घरों से बाहर तभी निकले जब अति आवश्यक काम हो, तो उसके बाद जो है सब्जी मंडी के अंदर जो है लोगों में जरूरत की जमान की फल फ्रूट की जो चीज़ें होती है वो खरीदने के लिए होड़ मच गई थी, जिसके चलते कई जो है दाम भी सब्जियों के है दोगुने हो गए थे। हमारे साथ जो है सब्जी मंडी के अध्यक्ष राहुल तंवर हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से कल जो बाज़ार में सामान सब्जियों के दाम एकदम उछाला है, क्या कारण। देखिए, ये जिस प्रकार से अफवाहों का माहौल बनाया गया और जिस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई गई कि बोले सब्जी मंडी बंद हो रही है, सब्जी की किल्लत होगी, फल की किल्लत होगी, तो आम जनता में इसका संदेश जो है वो गलत गया। तो लोगों में ये भय पैदा हो गया कि सब्जी फलों की किल्लत होगी, तो इस प्रकार जो ब्लैकमेलर थे, जो काला बाजारी कर रहे थे, जो स्टॉक कर रहे हैं, उन लोगों ने इस अवसर का भरपूर फायदा उठाया और आम जनता से दुगने तिगने चौगने दाम वसूले। मैं आप लोगों का मीडिया के माध्यम से जनता से ये अपील करूंगा, किसी भी प्रकार की भ्रांति और अफवाहों में ना आए। मंडी सुचारू रूप से चलती आ रही है और चलेगी। सब्जी फल इमरजेंसी सेवाओं में आता है, आवश्यक सेवाओं में आता है और हम आम जनता को रियायत दर पर सब्जी और फल उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश करेंगे और राज्य सरकार के साथ कड़ी से कड़ी मिलाने का काम करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, जो कि बिल्कुल संवेदनशील है, माननीय अशोक गहलोत साहब, और बराबर इस गंभीर बीमारी के चलते हुए जो पूरे राज्य भर में फैली है पूरी नज़र बनाए रखे हैं, तो हम भी राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं, पूर्ण रूप से कोशिश कर रहे हैं। जो सब्जियों के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, इससे जो आम पब्लिक पर कितना असर पड़ रहा है, व्यापारी के ऊपर कितना असर पड़ रहा है। देखिए, सब्जियों के दाम जो बढ़ने के कारण आज कुछ सब्जियों में उछाल आया है। कल तक कौन कौन सी सब्जियां हैं? आज आलू में उछाल आया है, टमाटर में के भाव में उछाल आया है, हरी मिर्ची में उछाल आया है, कुछ लौकी में उछाल आया है, बाकी और कोई सब्जियों में ऐसा कोई देखने को नहीं मिल रहा है कि कोई खास असर पड़ा है। ये सब जो भी हो रहा है, जिस प्रकार की कल लोगों ने ब्लैक मार्केटिंग की, कालाबाजारी की, उसके चलते थोड़ा असर सब्जियों के भावों में पड़ा है और एक दो दिन में सब्जियों के भाव स्थिर आ जाएंगे और आम जनता को रियायत दर पर सब्जी उपलब्ध हो जाएगी। आम जनता को रियायत दर पर सब्जी उपलब्ध कराने का काम करेंगे। सरकार की एडवाइजरी जैसे जारी होगी उसके मुताबिक ही यहाँ पर जो है सब्जी मंडी हालांकि खुली रहेगी, लेकिन सरकार के निर्देशों के अनुरूप ही खुली रहेगी। अब मंडी का नज़ारा की बात की जाए तो लोग यहाँ पर सब्जी खरीदने के लिए आ रहे हैं। देख सकते हैं ये मुहाना मंडी का नज़ारा है, लोग सब्जी खरीद रहे हैं। हालांकि कल के जो एक सब्जियों के दामों में उछाल आया था वो आज यहाँ पर जो कल कई सब्जी मंडियों में जो भीड़ थी वो इतनी आज नहीं है। हालांकि सामान्य रूप से यहाँ लोग सब्जी खरीद रहे हैं, आ भी रहे हैं। उनसे बात करते हैं। भाई साहब, क्या लेने के लिए आए हैं आप? सब्जी लेने आया था भाई साहब, लेकिन बहुत सब्जी के भाव बहुत ऊपर बढ़ गए इस समय। मैंने परसों खरीदे थे आलू 10 रुपये किलो और आज की रेट में 40-50 रुपये किलो मिल रहे हैं। जो कल परसों तक आलू 10-12 रुपये किलो में बिक रहा था वो अब जो है आलू के भाव अब जो है दुगुने तक हो गए हैं। ये जो आम जनता को इससे नुकसान भी हो रहा है, ये देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जी जो बेची जा रही है लोग खरीद रहे हैं। कुछ लोग जो है सब्जी का जो कह सकते हैं 5-7-10 दिन की सब्जी एक साथ भी खरीद के लेके जा रहे हैं। इसके कारण जो सब्जियों के दामों में जो उछाल आया, हालांकि व्यापार मंडल ने पूर्ण तरीके से ये जो संतुष्ट किया है, यार कुछ और भी उनसे जाने किस तरीके से सब्जियों को देखते हैं। सर, जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष महोदय श्री राहुल जी तंवर जी ने आपको अवगत कराया, हम पूरी कोशिश में हैं कि कालाबाजारी नहीं हो, सारी सब्जियों की आवक पूरी बनी रहे, लेकिन हम आपके माध्यम से दुनिया को पब्लिक में कहना चाहेंगे कि कोई हड़कम ना करें, कोई ज़्यादा संग्रह ना करें सब्जियों का, जितनी ज़रूरत हो उसके हिसाब से परचेज करें। अभी 22 तारीख का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने
जनता कर्फ्यू का ऐलान किया है उसमें सब सहयोग करें, कम से कम घर से बाहर निकलें और इस बीमारी महामारी से बचें। लेकिन जो आवश्यक वस्तुओं के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब व्यवस्था की जाएगी, उसके तहत हमें जो गाइडलाइन हमें मिलेगी हम उसकी पालना करते हुए। कौन सी सब्जियों में उछाल आया है, किस तरह की? सर देखी जाए तो सबसे ज़्यादा आलू में उछाल हुआ है और वो एक तरीके से कालाबाजारी का हिसाब किताब ही है कि उसको स्टॉक किया जा सकता है, इसलिए लोग ज़्यादा परचेज करके ले जा रहे हैं ताकि उसका स्टॉक किया जा सके। कच्ची सब्जियों में ज़्यादा उछाल नहीं हुआ है, थोड़ा एक दो रुपए की उछाल हुई है जो स्वाभाविक कभी कभी हो जाती है और ऐसे मौके पर बन जाती है, लेकिन आलू में जो इसको स्टॉक किया जा सकता है इस वजह से उसमें थोड़ा ज़्यादा हुआ है। कह जा सकता है कि आलू एक ऐसी सब्जी है जिसका लंबे समय तक जो है स्टॉक भी किया जा सकता है, इसके चलते ही यहाँ पर जो सब्जी मंडी की बात की जाए तो आलू के दाम में काफ़ी जो है उछाल देखा जा रहा है। फिलहाल ये कोरोना वायरस के बढ़ते प्रभाव को सरकार की तरफ से कई कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन सरकार इस स्थिति को किस तरीके से निपट पाती है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन रामकिशन सैनी के साथ हनुमान सिंह चारण A1 TV जयपुर।